इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि 24 घंटे के भीतर 25 लोगों की जान चली गई। 11 जगहों पर दीवारें गिर गए, मकान गिर गए। चेंबूर में जमीन खिसकने की वजह से दीवार गिरी तो कई मकान इसकी चपेट में आ गए और नतीजा ये हुआ कि 15 लोगों की मौत हो गई। विक्रोली में भी मकान गिरने की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। भांडुप में दीवार गिरी तो एक शख्स की मौत हो गई और अंधेरे में एक जिंदगी करंट की चपेट में आ गई। तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कहीं पर जल भराव है, कहीं पर तेज बारिश की वजह से दीवार ढह गई, इसकी चपेट में कई मकान आ गए, इनके मलबे में दबकर कई लोगों की जान चली गई, तो कई इलाकों से जमीन तक धंसने की खबर आ गई। मौत की बारिश ने सबसे ज्यादा कहर चेंबूर में बरपाया। विक्रोली में भी मकान गिरने के कारण 9 लोग भी मौत मारे गए। विक्रोली में जिस जगह पर बारिश ने कहर बरपाया, मकान धराशायी हुआ। वहां से हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। विक्रोली के पंचशील नगर सोसाइटी जो सूर्या नगर में पड़ती है, वहां पर हम मौजूद हैं। 6 से 7 झुग्गी झोपड़ियां लैंडस्लाइड का शिकार हुई हैं। आप नजारा देख सकते हैं कितना भयावह मंजर रहा होगा जिस समय लैंडस्लाइड हुआ यहां पर, क्योंकि विक्रोली का ये जो पूरा पंचशील चौल सोसाइटी है ये पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई पे बना हुआ है और ऊपर से नीचे की तरफ ये पूरी की पूरी इस तरीके के आसपास की जितनी भी चौल हैं या झोपड़ियां हैं या जितने भी घर हैं वो बने हुए हैं। ऐसे में जब तेज बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा होता है। आपको बगल का भी हम नजारा दिखा रहे हैं। देखिए, ये कोई एक घर था जिसमें ये मंदिर हुआ करता था, सामने भगवान की फोटोज रखी हुई हैं, तो वहीं नीचे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, दमकल अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 6 से 7 बताई जा रही है कि झुग्गी झोपड़ियाँ इस लैंडस्लाइड की चपेट में आई हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। फिलहाल आसपास के जितने भी घर हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, चौल थे, सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। एक पास का ही कोई बीएमसी स्कूल था जहाँ पर उन लोगों को तड़के 3:30 से 4 बजे के बीच में ही शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 बजे के करीब देर रात, ये शनिवार देर रात के करीब हुआ है हादसा, और उस समय लोग सो रहे थे जिस समय भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। किसी को संभल पाते तब तक इतना भयंकर और भयावह हादसा हो गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन आप देखें ये जो गलियां हैं कितनी सकरी गलियां हैं। मुंबई में भारी बारिश से निचले इलाकों का बुरा हाल है। एयरपोर्ट कॉलोनी तो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। ये कॉलोनी किस कदर पानी पानी है, हमारी संवाददाता नम्रता दुबे की इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में बीती रात से लेकर सुबह तक तेज बरसात हो रही थी। ऐसे में मुंबई के कई निचले इलाकों में जबरदस्त जल भराव नजर आ रहा है। इस वक्त ये तस्वीरें हैं कलीना के एयरपोर्ट कॉलोनी की, जहां पर आप देख सकते हैं कि घुटनों के ऊपर तक जो पानी है वो यहां पर भरा हुआ नजर आ रहा है। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर पानी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे आप सोसाइटी के और अंदर जाएंगे पानी का जो स्तर है वो 4 से 5 फीट ऊपर तक है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो आधी से ज्यादा जो है डूब चुकी है, और सोसाइटी का एंट्रेंस अगर आप देख पाएं तो सोसाइटी के एंट्रेंस के अंदर तक पानी भर गया है। ऐसे में आप सोचिए कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसके गेट तक 2 से 3 फीट अगर पानी भरा हो, और अगर आपको किसी काम के लिए बाहर जाना हो, कोई ज़रूरी काज के लिए जाना हो, तो कैसे निकल पाएंगे। ये खस्ता हालत है मुंबई की। मुंबई यानी कि जो आर्थिक राजधानी है। अब आपको वडाला चौराहे से राजीव सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई के वडाला 4 रास्ते इलाके पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर इस 4 रास्ता पर आपको तस्वीर दिखाता हूं कि इस तरह से सड़कें जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गई लगातार हो रही बारिश के चलते। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से पूरे वडाला 4 रास्ते परिसर में पानी भरा हुआ है, और यहां पर आप देखिए पंपिंग सेट लगाया गया है। महानगर पालिका की तरफ से पानी को निकालने की व्यवस्था की गई है, घंटों से पानी की निकासी का काम चल रहा है, बावजूद इसके पानी का स्तर जो है वो अभी भी बना हुआ है। और लगातार जिस तरह से मुंबई में बीती रात से बारिश हो रही थी उस वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई है, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, खास तौर पर वो लोग जो यहाँ से गाड़ी लेकर गुजरते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
परेशानी हो रही है और हर साल कमोबेश इसी तरह की परिस्थिति होती है वडाला चार रास्ता इलाके में। यहाँ पर आप देखिए महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मैन होल भी खोला हुआ है और वहाँ से भी पानी को निकालने का काम चल रहा है, पंपिंग सेट लगाए गए हैं। लेकिन वडाला चार रास्ते में जहाँ जहाँ पर जो निचला इलाका है वहाँ पर पानी भर जाता है और इसी वडाला चार रास्ते से दादर फाइव गार्डन को भी कनेक्ट होता है ये रास्ता और इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है जिन लोगों को दादर जाना है, जिन लोगों को सायन किंग सर्कल की तरफ जाना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरिद्वार से रेस्क्यू की तस्वीरें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।